गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को मेहदीपुर स्थित गुरुद्वारे में गुरुवाणी कीर्तन व गुरुमत विचार का आयोजन किया गया, जिसमें कीर्तन दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए त्रिलोक सिंह, जगधारी हरनाम सिंह रशिया दिल्ली वाले और गुरुमत विचारक सतनाम सिंह ने शब्द कीर्तन गुरुमत विचार गुरुवाणी से गुरुद्वारा में उपस्थित सिख समाज के लोगों को गौरवान्वित किया, जिसके संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के सचिव मनमोहन सिंह ने बताया कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर ब्लड डोनेशन कैंप को लगाया गया है, जिसमें सिख समाज के द्वारा रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया तथा दो साहिबजादों को दीवाल में चुनवा दिया था। इस अवसर पर भारी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव मनमोहन सिंह ने कहा, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई तुम आपका बहुत बहुत आभार। जब भी हमने आपको याद किया, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस महान खुशी के मौके पर संगत में कहने की कृपा करें श्री पी के मल जी। प्रकाश हुआ पूरे दो वर्ष तक उस भूमि पर मुझे भी उस मिट्टी में खेलने का मौका मिला है पटना साहब में, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। समाज में अलग अलग बिखरे हुए लोग और हर वर्ग से ऊंच नीच का भेदभाव मिटा के उन पांच प्यारे लोगों को एक साथ योद्धा बनाने के लिए जो अभियान गुरु गोविंद सिंह ने छेड़ा, होगी सभी समाज से सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व करते हुए उन लोगों को दिया गया और आज के समय में भी वह बहुत कुछ देता है कि देश की सुरक्षा करने वाले हमारे बॉर्डर पे जो डिफेंस के लोग 20% मनाने का एक ऐलान किया है, ये बहुत खुशी हो। कभी भी चरखा चलाने से देश को आजादी, बोलिए, नहीं मिलती। चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती है। और आप हम लोग कहें कि जिन लोगों ने कभी जिंदगी में 3 इंच का जो छुरी है वो हाथ में नहीं पकड़ी और गुरु गोविंद सिंह ने उनके हाथ में 3 फुट की शमशीर थमा, सुन्नत होती सबकी। और सभी धर्मों का गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सत्कार किया। 9 साल की आयु में पटना शहर में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म हुआ है। 6 साल वहां गुजारे और आनंदपुर साहब आए और वहां पर जब कश्मीर के पंडित आए और गुरु तेग बहादुर महाराज से कहने लगे कि हमारे धर्म को खतरा है और औरंगजेब जबरनी धर्म तब्दील करा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना बलिदान दिया है। किसी शायर ने कहा है, पाया देश दिया जड़ा विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग का फल रहा है, हिंदू वीरां दे मंदरां दे दीवियां विच खून अज भी गुरु तेग बहादुर दा बल रहा है। ये बलिदान दिया और मुगल सल्तनत की जड़ खत्म कर दी कि इस देश में कभी मुगलों का राज नहीं आएगा। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने शमशीर उठाई फिर मुगलों का राज खत्म हो गया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज कायम किया और उस राज में किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया और किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। तो आप बहुत ही सत्कार जो बैठे हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का ये महान कार्यक्रम सिख धर्म के 10वें गुरु सरबंस दानी पिता धन धन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के
354वें महान पावन प्रकाश पर्व को मुख रख के रखा गया है। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया। छोटी उम्र में काश्मीरी पंडितों के आह्वान पर उन्होंने पिता की कुर्बानी दी, वहीं मानवता धर्म की रक्षा के लिए बड़े दो साहेबजादों को चमकौर की गड़ी में जंग में शहीद कराया, वहीं दो छोटे साहेबजादों को सरहंद की दीवारों में जिंदा निवास चुना दिया गया। आज उन्हीं महान सर्वंशदानी पिता का महान पावन प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के तत्वाधान में आप सभी नगरवासियों के अपार सहयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ के महान कीर्तनीय मानव भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी दिल्ली वाले, भाई साहब भाई त्रिलोक सिंह जगादरी वाले एवं गुरमत विचारक भाई साहब भाई सुच्चा सिंह जी की गुरमत विचारों से सात संगत को निहाल कर रहे हैं। मैं गुरुद्वारा सचिव मनमोहन सिंह आप सभी नगरवासियों को साहेब कमाल सरबंस दानी पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।